नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के बस्ती शेख के मोहल्ला चाय आम में एक युवक की तेजधार हथियारों से हुई हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये हमला। अमृतसर की केंद्रीय जेल में चार हवालातियों की हुई मौत। मृतकों के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। 7 किलो हेरोइन, 30 लाख की ड्रग मनी, 3 पिस्तौल, 1 राइफल, 5 दरोंद और कार की बरामद। जालंधर में बस्ती शेख के मोहल्ला चाय आम में एक 26 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान बस्तियात क्षेत्र के अधीन आते मोहल्ला चाय आम के रहने वाले अंकित जंबा के रूप में हुई है। घटना के समय अंकित की गर्भवती पत्नी भी उसके साथ मौजूद थी। तो वहीं हत्या का आरोप करण मल्ली और उनके साथियों पर लगाया गया है। फिलहाल इस बात की पुलिस जांच कर रही है। मृतक के भाई मनी ने बताया कि आरोपियों के साथ पुराना विवाद चल रहा है। मनी ने कहा कि जितनी देर तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती उतनी देर तक अंकित का संस्कार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंकित का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि मल्ली एरिया में नशा बिकवाता है। मिली जानकारी के अनुसार अंकित की 4 वर्ष पहले मनीषा के साथ शादी हुई थी। उक्त शादी के 4 वर्ष बीत जाने के बाद वे 4 माह की अब गर्भवती थी। परिवार बहुत खुश था। मनीषा ने बताया कि वे अपने पति अंकित के साथ बाइक पर सवार होकर रात के समय दवा लेने और ससुराल जा रही थी। जब वह मोहल्ला चाय आम से बाहर निकले तो सोनू नामक के लोकल बदमाश ने उनका बाइक अपने घर के बाहर रोक लिया। बाइक रोकते ही सोनू ने अपने पिता, दोस्त करण मल्ली सहित 6 लोगों के साथ मिलकर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। जब मनीषा अपने पति को छुड़वाने के लिए आगे बढ़ी तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ पर गंभीर चोट आई। करीब 5 मिनट तक चले खूनी खेल के बाद आरोपी क्राइम सीन से भाग निकले, जिसके बाद गर्भवती महिला खून से लथपथ अपने पति को अस्पताल ले जाने के लिए वे लोगों से गुहार लगाती रही, मगर किसी ने नहीं सुनी क्योंकि लोग डर रहे थे कि कहीं मदद के बाद मल्ली गैंग उन पर हमला ना कर दे। जिसके बाद मनीषा ने अपने जानकार बीजेपी नेता अमित तनेजा को मौके पर बुलाया और उनकी मदद से अंकित को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, मगर कुछ समय बाद देर रात डॉक्टरों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अस्पताल द्वारा मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रस्ते विच सोनू के फादर, उन्होंने ब्रदर करण मल्ली, इन्होंने एक्टिवा रोकी साड़ी, रोक दे सारे हमला करता। मेरे हस्बैंड नीचे गिर गए, सारे जने इन्हां नूं पै गए। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ। अमृतसर की केंद्रीय जेल में 4 कैदियों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब रहे कि 3 कैदियों की गत दिवस ही मौत हो गई थी, जबकि एक और हवालाती की मौत सुबह हो गई। इस मौके पर मृतक हवालातियों के पारिवारिक सदस्यों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनके बच्चे काफी समय से बीमार थे और कई बार केंद्रीय जेल की सिक्योरिटी इंचार्ज को गार्ड लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा हवालातियों की कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर समय पर सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा गार्ड लगा देते तो आज उनके बच्चे जिंदा होते। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जेल में से 4 शव पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, जिनका जेल प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय जेल से आए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया था और बीमारी के कारण इनकी मौत हो गई। इसमें जेल का प्रशासन का कोई कसूर नहीं है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो भी रिपोर्ट आएगी उससे साफ पता चल जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अंदर एमरजेंसी उन्होंने लेके आए थे, उन्होंने डॉक्टर ने मृतक पुष्ट कर दिया। वो कहते हैं 1 हफ्ते तो बीमार है, पर उन्होंने किसी भी मेडिकल नहीं, 1 हफ्ते तो बीमार नहीं, 1 हफ्ते तो जो दाखिल ही, वो पहला दाखिल ही, एक तो दाखिल ही
दूजे जो एमरजेंसी बीमार हुए उन्होंने फटाफट इतने लेके आए तो डैथ हो गई डॉक्टर ने हफ्ता पहलों की कह रहे थे कोई सुजीत बराड़ वो फिर डॉक्टर दसणगे ना जी उन्होंने केड़ा इलाज किया डॉक्टर ने जो इलाज किया ना डॉक्टर ने स्लिपा लाइया ना सर कोई सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं सिक्योरिटी गार्ड जो लाए जाते उतो उस वे भेजा जाता है एमरजेंसी तुरंत गार्ड ला के एमरजेंसी एंबूलेंस लै आते गार्ड लाई नहीं मौके अगर लाई होंगी तो इलाज हो नहीं इस तरह की कोई गल बॉडियां लैके आए ना ना इस तरह की कोई गल नहीं हुई डॉक्टर ने इतने मतलब उन्होंने किया कि डैथ हो गई है जी जा रस्ते च हुई डेड बॉडी डायरेक्ट नहीं उन्होंने कह दी नहीं गल डॉक्टर डॉक्टर दसणगे पोस्टमार्टम आ जाना कदों मौत हुई किन्ने बजे हुई की कारण ही मौत का अठ दिन हो गए कहिंदा मैं बीमार हाँ तो रोज़ आता ही गार्ड लाने डॉक्टर साहब को रोज़ ही लागी सिक्योरिटी इंचार्ज ही गुरजीत बराड़ जिहड़ा सानूं तो पता नहीं पता लगा कि उन्हें वो गार्ड लाई नहीं गार्ड नहीं लाई वो मैं तो प्रशासन को यही कहना बेनती करता कि किसी होर साडा जोड़ना हो गया गांव होने वाले जो जिन्हों का इन्हों के बच्चे ना मरन फिरोजपुर पुलिस नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एक नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी फिरोजपुर सोमिया मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मंजीत सिंह निवासी गांव कमालीवाला जिला फिरोजपुर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 7 किलो हेरोइन 30 लाख की ड्रग मनी 1 पिस्तौल 32 बोर 2 पिस्तौल 30 बोर 1 राइफल 5 जिंदा राउंड और बिना नंबर की कार भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। टोटल इन्होंने एक बंदी नु काबू करके उससे 7 किलोग्राम हेरोइन 36 लाख रुपए ड्रग मनी 1 पिस्टल 32 बोर 1 राइफल 315 बोर 2 पिस्टल 30 बोर 4 मैगजीन 20 राउंड और 1 इलेक्ट्रा कार बरामद की है। ये टोटल रिकवरी है इस केस की। जिहड़ा दोषी है उस पर ऑलरेडी पुराने भी 3 पर्चे दर्ज हैं उस पर से 1 मर्डर ते दूजा लड़ाई झगड़े का प्रिजन एक्ट के पर्चे दर्ज हैं। हुण असी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन सब दे फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस असी पूरी तरह ट्रेस करें और जो बाकी बंदे भी एदे विच शामिल सीगे उन सब नू भी असी जल्द तो जल्द गिरफ्तार करें। बरनाला पुलिस ने धनोला में नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में से भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बरनाला संदीप कुमार मलिक ने बताया कि बरनाला पुलिस ने धनोला में एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 21 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक विक्रम कुमार जो कि हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि वे ये खेप राजस्थान से लेकर आ रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे ये नशे की खेप आगे किस व्यक्ति को देने के लिए जा रहा था। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ट्रक ऐसी फड़िया है ये हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रक है ओनू जो चेक किया गया 105 बोरिया जो कि वेइंग अराउंड 20 kgs ईच जो कि बनता है 2100 kg 21 क्विंटल भुक्की चूरा पोस्ट ओपी हस्क असी बरामद की है जो कि एक हैवी कमर्शियल क्वांटिटी है। जो ये एक्यूज असी फड़िया है विक्रम कुमार है सिरसा हरियाणा का रहने वाला जो कि इनू चला रहा है। हाल की घड़ी जी जो यदि असी पता किया इंटेरोगेशन जो प्रिलिमिनरी ये जो ट्रक ये समान लैके आ रहे थे ये राजस्थान तो कंसाइनमेंट चली सी आगे असी बैकवर्ड तो फॉरवर्ड लिंकेजेस एस्टैबलिश करांगे कि ये समान जाना कितने सीगा ते किन्ने भेजा ते एग्जैक्ट इहदा ओरिजिन कितने सीगा मार्केट वैल्यू जी असी असैस करके दस देंगे। बट जिदा मैं तुहानू दस्सिया कि अराउंड 2100 kg पॉपी हस्क हैगा तो काफ़ी हैवी कमर्शियल क्वान्टिटी बनती। अमृतसर के थाना बी डिवीजन के अधीन आते इलाके जहाजगढ़ में 2 ट्रैक्टर ड्राइवरों में झड़प हो जाने का मामला सामने आया है जिसके चलते एक ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा मामूली झड़प के चलते 40 से 50 व्यक्तियों के साथ तेजधार हथियारों से बलजीत सिंह नामक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। तो वहीं पीड़ित ने कहा कि पुलिस ने उल्टा उसी पर मामला दर्ज कर लिया जो कि सरासर गलत है जिस संबंधी वे पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि जहाजगढ़ इलाके में 2 पक्षों में झड़प हुई है जिस संबंधी प्राथमिक जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारे ये रेत तो लड़े उ लखविंदर सिंह आए थे मेडिकल ग्राउंड से प्रभजीत सिंह भरा आए ने इतने जहाजगढ़ रेते रूते तो गल हुई ट्रालिया रेता करते ट्रकों वाले गल हुई कोई बाकी सर नोट कटा के आए उ बी डिवीजन से
ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिवस रविंदर हंस की अगुवाई में विरसा विहार में मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे वे ईडी हो या फिर सीबीआई, इनका डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा लालच देकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म दिवस पर उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक व वर्कर भी मौजूद रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी अज इतने विरसा विहार के रविंदर हंस जी की अगवाई के सारे साढ़े विधायक साहबान पहुँचे ने। साढ़े वड्डी गिनती दे विच जिहड़े लोग ने वो इत्थे बाबा साहब नू नमन होने वास्ते आए ने। सो अज मैं उन्हां दे 133वें जन्म दिहाड़े दे मौके दे उत्ते समूह जिहड़े संगत आ उन्हां नू वधाई देना है और नाल ही अपील करदा कि जिहड़े पूरने बाबा साहब बी आर अंबेडकर साहब ने पाए ने, असी चलते हुए जिस तरह का सुपना उन्हां ने सिरजिया सीगा कि असी इहो जिहा समाज बनाउणा है, बराबरता वाला समाज बनाउणा है, उस समाज बनाउण दे विच अपना अहम रोल। अकाली दल के लोकसभा उम्मीदवार अनिल जोशी को गत दिवस शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर से अकाली दल की टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा, जिसके चलते सुबह से ही अनिल जोशी ने गुरु नगरी के पवित्र धार्मिक स्थानों पर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सबसे पहले वे वाल्मीकि तीर्थ स्थान पर नतमस्तक हुए, जिसके बाद वे दुर्गियाना मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्हें वाल्मीकि तीर्थ और दुर्गियाना मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अमृतसर शहर को बेंगलोर और इंदौर जैसा बनाएंगे। वे उन्होंने कहा कि वे लोगों के सपनों को साकार करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं और उन्हें इस बार पूरी उम्मीद है कि लोग उन्हें पसंद करेंगी व उन्हें मौका देंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें दस वर्ष गुरु नगरी की सेवा का अवसर मिला था और उन्होंने पूरी तनदेही के साथ गुरु नगरी की सेवा की और कोई कसर नहीं छोड़ी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्रोमणी अकाली दल ने सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने मेरे ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी पाई है। ये दुर्गियाना मंदिर दी पवित्र नगरी सचखंड श्री हरिमंदर साहब सिफती दा घर वो पवित्र नगरी गुरु रामदास जी दी, भगवान वाल्मीकि जी दी पवित्र नगरी राम तीर्थ भव्य मंदिर, ये पवित्र नगरी इतिहासक नगरी इहदा मैनू जिम्मेवारी पार्लीमेंट की टिकट दे के लाई है सरदार सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल ने। तो मैं बांके बिहारी जी का शुकराना करना है, शीतला मंदिर आके मैं नतमस्तक होया। प्रभु मैनू शक्ति दो कि मेरे ते जिहड़ी पार्टी ने जिम्मेवारी पाई है एक तो इहनू सिरे लाओ, क्योंकि मेरी तो कोई एडा मन नहीं सी हैगा कोई इलैक्शन का, पर यह है कि ये कृष्ण मुरारी बांके बिहारी की अपनी मर्जी है।